गाइस, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ हिमांशी, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमांशी ब्लॉग्स एंड रेसिपीज़ में। तो अभी थोड़े दिन के पहले ही मैंने ब्रेड की एक रेसिपी बनाई हुई थी, जिसमें मेरे पास ब्रेड के जो साइड्स होते हैं, किनारे होते हैं, वो मेरे पास बचे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक रेसिपी बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। तो मैंने बनाया है आज ब्रेड के रसगुल्ले, जो गुलाब जामुन होते हैं वो बनाए हैं मैंने। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सो ये ब्रेड के साइड्स मेरे पास बचे हुए थे, तो इसको सबसे पहले हम ऐसे तोड़ लेते हैं और लेंगे एक मिक्सी का जार। इसमें हमें इसे पूरे पीसना है। सबसे पहले इसे तोड़ के इसमें डाल देंगे। तो सारे ब्रेड मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसे अच्छी तरीके से पीस लेती हूँ। तो सारे ब्रेड को मैंने यहाँ पर पीस लिया है अच्छी तरीके से। अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया एक बाउल और इसमें निकाल लेंगे हम इसे। अब इसे अच्छी तरीके से हमें एक डो बना लेना है। तो दूध इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसका डो बनाते जाएंगे हम। इसमें ज़्यादा दूध एक साथ नहीं डाल देना है, वरना यह गीला हो जाएगा। तो डो हमने बना लिया है और अब इसमें ऐड करना है हमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिए। मिल्क पाउडर डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मेरा अमूल ब्रांड का मिल्क पाउडर है, आपके पास जो भी ब्रांड का हो आप वो डाल सकते हैं। और इसको इसके साथ मिक्स कर लेना है। तो ये डो हमने बना लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं साइड में और बना लेते हैं अपनी चाशनी। इसको ऐसे रख देते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर चढ़ा दिया है एक तपेला, बाउल, या फिर आपके यहाँ जो भी बोलते हैं वो। डाल देंगे एक गिलास पानी। तो मैंने यहाँ पर डेढ़ गिलास तक पानी डाल दिया है और 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे इसे। और इसकी हमें तार नहीं बनानी है, बस ये एक बार उबाल आ जाए इसमें, बस इतना ही हमें इसे करना है। तो जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हमें, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हमें करना क्या है, हमारा जो डो बना के हमने रखा था इसके हमें छोटी छोटी सी रसगुल्ले की गोली बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, घी, आप कुछ भी हाथ में लगा सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े हम रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे। गोली बना ली, अब इसके बीच में करेंगे थोड़ा सा होल और इसमें हम भरेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने काजू और बादाम लिया हुआ है, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और ऐसे बंद करके इसको फिर से एक बार राउंड कर देना है। इसी तरीके से हमें सारी गोली बना लेनी है। तो चाशनी लगभग हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और बस इतना ही हमें इसे रखना है, तार नहीं बनानी हमें। तो फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। तो सारे गुलाब जामुन बनकर मेरे तैयार हो गए और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, इसको फ्राई करने की तरफ। तो गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है एक लोहे की कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुलाब जामुन। तो तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है और अब इसमें जितने भी गुलाब जामुन आएंगे मैं इसमें डाल दूंगी।
आपको फ्लेम को लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है, वरना गुलाब जामुन ऊपर ऊपर तो जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो सारे गुलाब जामुन मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको हम थोड़ा पकने देंगे, ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इसे थोड़ा सा फ्लेम हाई करके और पका लेते हैं। तो सारे गोल्डन ब्राउन हमारे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कलर बहुत ही प्यारा आ चुका है, ये अंदर से एकदम सिक चुके हैं। और अब इससे ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, बस फ्लेम ऑफ करके मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब हमारी चाशनी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, हल्की सी गर्म है। और रसगुल्ले बनाने के लिए एक चीज़, या फिर चाशनी या फिर रसगुल्ला, आपका कोई एक चीज़ हल्का गर्म होना चाहिए। तो सभी रसगुल्ले मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए सॉक होने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट में ये रसगुल्ले में अच्छे से इसका जो सिरा है ये अच्छे से इस रसगुल्ला पी लेगा। सो ब्रेड का गुलाब जामुन बनकर है बिल्कुल से रेडी। और अब इसके ऊपर लगा देते हैं हम थोड़े से पिस्ते, जिससे ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। ये आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। एंड मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बेल आइकन जो बाजू में दिया हुआ है उसे ज़रूर से प्रेस कर लेना। मैं मिलती हूँ आपको इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।